हाँ जी, उनकी स्टेज पे जाके नहीं, वो आपको बुलाए और उनकी स्टेज पर जाकर आप सेवा करो। हैं? आपके सहयोगी इतने ही और साथ ही कौन है बाबा? कौन है? अरे अगर ये पता लग जाए कि हम कौन है, कौन से वंश के हैं, सूर्यवंशी हैं, तो आपके साथ ही कौन है ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं। आपके इतने ही कौन है, आपके जन्म जन्मांतर के साथ ही कौन है ये पता लगाना बहुत बड़ी बात है क्या? कब से बोला हुआ है? क्या बोला है? विजयमाला का आवाहन करो।
नहीं तो लाना देंगे क्या? हमको तो बताया ही नहीं। नहीं समझ में आया? हाँ अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा कौन कौन को समझ में आया हाथ उठाओ। अरे कोई तो हाथ नहीं उठा हाँ तो विजय माला का आह्वान माने क्या? कोई माला हाथ में पकड़ के ले आए किसका आह्वान करो? लक्ष्मी का। हाँ जी जो भी चंद्रवंशी आत्माएं हैं आधार मूर्तों के बीच में वो आत्माएं जन्म जन्मांतर की इसने ही और सहयोगी है सूर्यवंशियों की। उनका आवाहन करने के लिए कई वर्ष पहले से कहा हुआ है। अभी मुरली में बोला बाबा ने 2007-2008 में छोटी मम्मी की प्रत्यक्षता मन बुद्धि में होगी तो छोटी मम्मी मधुबन में आई थी। मन बुद्धि में प्रत्यक्षता होगी? अभी मन बुद्धि में 75 से प्रत्यक्षता नहीं है। अरे इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 8 से 10 वर्ष कम तो कब से प्रत्यक्षता हुई पड़ी है मन मन बुद्धि में? 76 से। तो अभी की बात कहाँ से रह गई है? 30 साल से भी ऊपर हो गए। हैं अभी मुरली में कैसे बोला बाबा जी? क्या एक छोटी मम्मी 7 और 8 में प्रत्यक्षता होगी? हाँ प्रत्यक्षता होना अलग बात है जन्म होना अलग बात है। 76 में तो जन्म हुआ ना? जन्म बच्चे का होता है संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। जन्म हुआ तो प्रत्यक्ष नहीं होता। अरे कोई बच्चा घर में जन्म होता है तो सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है क्या? घर वालों में? घर वालों में क्यों होता है? तो घर वाले हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी उनके बीच में नंबर वार प्रत्यक्ष होना है। हाँ जी और छोटी मम्मी 2007-2008 में आएगी मधुबन में? टाइम नहीं बताया जाता है। 2007-2008 बताया ना आपको? कोई टाइम नहीं बताया जाता। सिर्फ इतना बताया गया कि ब्रह्मा की प्रत्यक्षता में 16 साल लगे, दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता में भी 8 साल लगे, तो तीसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता में भी ज्यादा से ज्यादा 4 साल लगते हैं। 2004 में संकल्पों की शूटिंग का काम पूरा हुआ, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। प्रैक्टिकल पार्टी कौन सी है? एडवांस पार्टी में प्रैक्टिकल पार्टी कौन सी है? विजय माला। उसके प्रत्यक्ष होने का टाइम बता दिया है अप्रोक्सीमेट। पहली मूर्ति के लिए 16 साल, दूसरी मूर्ति के लिए 8 साल और तीसरी मूर्ति के लिए 4 साल बस। और कोई नहीं बोलेगा तो क्लास पूरा। अच्छा बाबा हाँ रामायण महाभारत जो ग्रंथ बने उसमें लड़ाई दिखाई तो ये स्त्री संगम की शूटिंग की बात है? यहाँ संकल्पों की लड़ाई होती है, वहाँ स्थूल में लड़ाई होती है। ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि रची गई।
तो अभी जितना हम संकल्पों से वाइब्रेशन से आपस में लड़ाई का माहौल बनाते हैं उतना वहां शूटिंग हो जाती है, प्रैक्टिकल में भी होने लगेगा। रियल में हुआ है द्वापर युग से, रियल में हुआ है द्वापर से, द्वापर से रियल में हुआ है। अरे द्वापर युग में तो प्रैक्टिकल देखेंगे स्थूल रूप में लड़ाई, और यहाँ फाउंडेशन पड़ता है सूक्ष्म संकल्पों का। जोर से बोलिए। इंडियन के अंदर तमिलनाडु को बताया उसके अंदर होता है क्या? तमिलनाडु को तमिलनाडु को ईस्टर्न जोन के अंदर बताया है। तमिलनाडु शब्द ही जाहिर करता है तमिलनाडु। तुम नहीं मिलते तो हम नहीं मिलते, ऐसे तो ईस्टर्न जोन नेपाल बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल आसाम बड़ा जोन है, और तमिलनाडु तो दक्षिण में है। उसको साथ ही बनाई दिया है, राजधानी का नाम क्या था है? पहले मद्रास, मठ में रास, अभी हो गई चेन्नई। कैसी हो गई? नहीं, क्या मन का चेत मन यदि हवाई यात्रा वाले चेन्नई का नाम रखते हैं माँ, कई साल से वहां जो राज्य मुख्यमंत्री पद पर करने वाली है उसका नाम है जय अम्मा। टाइम आएगा तो भयंकर पार्ट बजाने वाली है। पूर्वी जोन में कौन सी देवी ज्यादा प्रसिद्ध है? ऐसे तो सभी देवी हैं, मुख्य कौन सी प्रसिद्ध है? काली कलकत्ते वाली। तो वो ऐड होती है, तो ईस्टर्न जोन आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी, और बंगाल क्या करेगा? आवाज फैलाएगा। उनकी भाषा अलग है,
तमिलनाडु वालों की वो हिंदी भाषा वादियों से मिलते नहीं है। अंग्रेजों से मिलके रहेंगे, अंग्रेजी से मिलके रहेंगे। अपनी भाषा ही पसंद करेंगे। कहते हैं ना इनकी तो भाषा ही और है, ये कुछ और भाषा बोल रहे हैं। ईस्टर्न जोन से कैसे मिला है? ईस्टर्न जोन में अभी तो पार्ट नहीं बजा है ना, मिल जाएगा। और ब्रह्मा द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची गई। संकल्प है बीज, संकल्पों का बीज पड़ता है तो प्रैक्टिकल में वृक्ष उगता है, पौधा बनता है। प्रैक्टिकल करने वाला अलग और प्लानिंग करने वाला अलग। इंजीनियर होते हैं प्लानिंग करने वाले, तो कहा प्लानिंग पार्टी, उनसे कड़ा धरा कुछ भी नहीं जाता। लेकिन सड़क की प्लानिंग पूरी बनाई थी, नई दुनिया की नई शक्ति की प्लानिंग बनाई थी, नए मकान की। उनसे कहा जाए कि प्रैक्टिकल में कुछ तो करके दिखाओ, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और प्रैक्टिकल पार्टी होती है बुक करके दिखाती है, प्लानिंग के आधार पर चल के दिखाती है। प्लानिंग बनाए नहीं सकते, लेकिन प्लानिंग सफल कर देती है। वो होता है प्योरिटी की पावर से। प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल पार्टी का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंस तो दोनों की है। इंजीनियर्स नहीं होंगे तो नए मकान का नक्शा ही नहीं बनेगा। और इंजीनियर्स को इंस्पिरेट करने वाला मालिक नहीं होगा, इंस्पिरेटिंग पार्टी नहीं होगी, तो इंजीनियर्स भी कुछ भी नहीं करेंगे। तीनों ही पार्टियां चाहिए। लास्ट चांस लेती है प्रैक्टिकल पार्टी और काम संपन्न हो जाता है। उन्हीं का सहयोग और स्नेह लेने के लिए बोला, क्योंकि वो स्नेही है, सहयोगी है, करना चाहते हैं। माना प्रजा वर्ग की आत्माएं जो हैं, वो सजाएं नहीं खाएंगी। प्रजा वर्ग में श्रेष्ठ साहूकार नहीं होंगे,
फर्स्ट क्लास साहूकार होते हैं, सेकंड क्लास साहूकार होते हैं। उनको सजा नहीं मिलेगी। नौ लाख की पूरी माला तैयार नहीं होगी। माला तो 9 लाख की तैयार होगी, तो नंबर तो सबके चाहिए। अकेले बैठेगी कि बाबा? अकेले बैठेगी 9 लाख? 4.5 लाख तो प्रवेश करेंगे ना। 4.5 लाख प्रवेश करने वाले भले हैं, उनको भी दंड, लेकिन शरीर धारण करा के सजा दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि प्रवेश करने वाले हैं तो सजा से बच जाएंगे। लेकिन वो तो कर्मातीत होकर के ही शरीर छोड़ेंगे ना उधर। अच्छा, और हम कर्मातीत होकर के शरीर नहीं छोड़ेंगे? हम तो जीते जी मरेंगे ना। जीते जी मरना माने कर्मातीत नहीं बनना। कर्मातीत तो हो जाएगा ना, वही तो कर्मातीत। वही तो दोनों की एक ही बात हो गई ना। लेकिन सजा पाने के बाद ही तो कर्मातीत होंगे। कुछ आत्माएं तो बिना सजा के कर्मातीत होंगे, सिर्फ आते होंगे ना बिना सजा के कर्मातीत। बाकी सबके नहीं तो 16 आत्माएं होंगी, 16 युगल होंगे। 8 युगल होंगे जो सजा नहीं खाएंगे। बाकी सब के लिए ट्रिब्यूनल बैठे, माना 9,16,100 के लिए ट्रिब्यूनल बैठे जी। बाबा गायत्री अथर्व वेद के मंत्र के अनुसार अपने साधकों को पवन बनाकर भगवान के पास ले जाती है। कौन? गायत्री। गायत्री हाँ जी। तो ये गायत्री कौन सी शक्ति है? गायन है 3 का। जब 3 इकट्ठी हो जाती है उसमें सरस्वती का भी नाम है, महाकाली का भी नाम है और महागौरी का भी नाम है। ये 3 शक्तियों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो गायत्री कही जाती है। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती, विष्णु की शक्ति वैष्णवी और महाकाल की शक्ति महाकाली। 9,16,100 आत्माओं के लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, तो बाकी सारी दुनिया में आत्माओं की ऑटोमेटिक उन लोगों के हिसाब किताब चुप तो होता है? उन बीजों में सारी दुनिया समाई हुई। 9 लाख सितारे वो आसमान के सितारे हैं और ये सितारे धरती के सितारे हैं। तो सारी दुनिया के बीज है, 84 जन्म लेने वाले मतलब उनका जो हिसाब बनेगा उसी हिसाब से उनके जो सारी दुनिया के फॉलोअर्स का बनेगा। ऐसे नहीं सारी दुनिया आठ के ही फॉलोअर्स है, एक एक सितारे में दुनिया समाई हुई है। जैसे ध्रुव तारा है, तो उसके दिल और दिमाग में जो समाये हुए है, दिल तख्त पर चढ़े हुए है, वो एक दुनिया हो गई। बृहस्पति है, उसके दिल और दिमाग में जो छाए हुए है, या वो अपने फॉलोअर्स के दिल और दिमाग में छाया हुआ है, वो एक अलग दुनिया हो गई। अभी आपने बताया कि विजय माला जो निकलेगी तो चंद्रवंशी जन्म जन्मांतर के सूर्यवंशियों के सहयोगी है, तो बीच में भी जो चंद्रवंशी होंगे रुद्रमाला में वो भी तो जन्म जन्मांतर सहयोगी तो होंगे। हाँ?
लेकिन एक चैप्टर में बताया गया था कि शरीर छोड़ देंगे कुछ लोग 2036 के बाद, जो काम पूरा करके शरीर छोड़ेंगे या पहले ही शरीर छोड़ देंगे, काम पूरा करके तो सहयोगी हुए ना। कुछ मामले में चूक गए होंगे, लेकिन सूर्यवंश के समान संस्कार नहीं, जो नहीं आत्माएं, जो आत्माएं जो सूर्यवंश के समान संस्कार नहीं बनाएंगे वो शरीर छोड़ेंगे 2036 के बाद। जो दूसरे दूसरे धर्म के होंगे, दूसरे धर्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ेगा उनका 84 जन्म में से कुछ कम होगा या नहीं होगा? कटिंग होगी या नहीं होगी? गायत्री में आप बोलन की शक्ति तो ब्रह्मा को तो सरस्वती हूँ, प्रैक्टिकल में कौन हूँ? छोटी मम्मी छोटी माँ सरस्वती यानी राजा विष्णु के रूप में चार भुजाएं दिखाई गई है। उन भुजाओं में से तीन भुजाओं के लिए बोला है गायत्री। नहीं, ये बताया गया था कि अष्टदेव के बाद जो तीन आत्माएं हैं, चार आत्माएं हैं, वो नष्टदेव बताया गया था, लेकिन वो नष्टदेव विधर्मी आत्मा है बताया गया, लेकिन विधर्मी आत्माएं जो इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियंस जो भी है चार आत्माएं वो तो नव ग्रुप में भी है और इधर नष्टदेव के ग्रुप में भी डाला गया, एक ही आत्मा है। उनके में और उनमें बहुत अंतर है। जो नष्टदेव है वो आज से अंत तक विरोधी बनते हैं, सिर्फ शुरुआत में थोड़े समय के लिए सहयोगी है, आदि में सहयोगी तो अंत में भी सहयोगी बन जाते हैं। मुख्य धर्मों के जो बीज, जो आदि में बीज बोता है वो बोया हुआ बीज ज्यादा फल देता है, इसलिए दिल्ली वालों के लिए खास सब्जेक्ट वाणी में बोला हुआ है कि अंत तक सहयोग लेने के अधिकारी हैं। वो तो है, लेकिन वो आत्माएं अलग है और नव धर्मों के मुख्य जीत जो है उसके इधर में आत्माएं वो अलग अलग आत्माएं है ना। ये कैसे होंगे? अच्छे ये नए निकलेंगे, वो पुराने तो मुख्य जीत है, वो नष्ट देव में है, आज से अंत तक विरोध की शूटिंग करने वाले सिर्फ थोड़े समय के लिए, आदि में सहयोगी और अंत में सहयोगी। अच्छा, दिल्ली का ग्रुप जो है वो नष्टदेव में आ रहे हैं, तो फिर पहले ये था ना कि और धर्मों के जो मुख्य बीज है इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन कहते हैं, तो फिर वो अभी नए निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? हर ग्रुप के मुखिया होंगे या नहीं होंगे? होंगे तो ये भी तो। हाँ जी, रुद्रमाला में विजयमाला का पर्सन है, रुद्रमाला में विजयमाला का पर्सन। रुद्रमाला की मुख्य पहचान है कि वो ज्ञानी तू आत्मा तो होंगी लेकिन पवित्रता की पावर नहीं होगी, लंगड़े होंगे। और विजयमाला की मुख्य पहचान है कि ज्ञानी तू आत्मा नहीं होंगे, ज्ञान अज्ञान के अंधे होंगे लेकिन पवित्रता में पक्के होंगे। इसलिए अंधे और लंगड़े की कहानी शास्त्रों में आई हुई है नदी पार करने के लिए, एक दूसरे के सहयोगी बन गए। और रुद्रमाला ने जो विजयमाला है उनका पहचान क्या है? रुद्रमाला वो उनके बीज है, लेकिन उन बीजों में और सूर्यवंशियों में अंतर है। ब्रह्मा कुमारियों के बीज कहाँ है?
रुद्रमाला में ब्रह्मा कुमारियों का बीज कौन सा ग्रुप है? चंद्रवंशी उनका ग्रुप है, बीज है। जो संस्कार ब्रह्मा कुमारियों में होंगे वो सारे संस्कार बीज रूप आत्माओं को जो चंद्रवंशी ग्रुप है उसमें सारे ही संस्कार होंगे। जैसे उनमें भीख मांगने के संस्कार हैं, तो उनमें भी भीख मांगने के संस्कार होंगे। उनमें दूसरे धर्म वालों से प्रभावित होने के संस्कार है। तो चंद्रवंशी के बीज होंगे, उनमें भी दूसरे दूसरे धर्म वालों से प्रभावित होने के संस्कार होंगे। दुनिया की ऐसी राजधानी कौन सी है जिस पर हर धर्म ने राज्य कर लिया? तो हर धर्म से प्रभावित कौन सी राजधानी हुई? दिल्ली हो गई। बाबा राष्ट्र में जब प्रतिष्ठा होती है संसार में तो दुनिया वालों को कैसी जन्म दिखता है? राष्ट्र में विश्व पिता की जब प्रतिष्ठा होती है तो उसके बॉडी में क्या शिव जन्म दिखता है? आपके प्रत्यक्ष होते हैं तो उनमें बिंदु दिखते हैं क्या? किसको दिखती है? पाँच सौ सात सौ करोड़ को शिव बिंदु ही नहीं, रियलाइज करना पड़ेगा कि इस दुनिया का प्रैक्टिकल में परिवर्तन करने वाला कोई शिव बिंदु प्रैक्टिकल में साकार तंधारी है। संगम में भी जो कृष्ण है तो वही बॉडी हुई ना? फिर संगम में भी कृष्ण माना संगम में भी नारायण। तो दुनिया भर में निराकार में गीता का भगवान कृष्ण को लिख दिया है, इस गांव से लिखा क्या ऐसा सही होगा? फिर वो तो बात है यहाँ के फाउंडेशन की। यहाँ जो फाउंडेशन पड़ गया वो फाउंडेशन द्वापर युग में प्रत्यक्ष होता है, वो है संपन्नता। जो काम गलत होता है वो संपन्न होता है, या जो काम अधूरा होता है वो संपन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि जो संगम की कृष्ण है वो संगम की कृष्ण के लिए बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो वो चारों नाम संपन्न स्टेज की यादगार है। और जो गीता का भगवान कृष्ण पड़ गया है वो अधूरेपन की यादगार है। सचिव क्या सचिव का यादगार होता है शास्त्रों में? आत्मा का यादगार, आत्मा कहीं पार्ट बजाती है जो यादगार बनेगा, शरीर के साथ पार्ट बजाती है। संगम युग में शरीर के साथ जिन्होंने पार्ट बजाया अधूरा उनकी यादगार बन गई। और बाप की जयंती से बच्चों की जयंती, बाप की जयंती से बच्चों की जयंती, ठीक है। बाप प्रत्यक्ष होगा, अकेला प्रत्यक्ष होगा क्या? बाप संसार के सामने अकेला प्रत्यक्ष हो जाएगा या बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा? है बच्चों को आगे करता है बाप, तो अष्टदेव पहले प्रत्यक्ष होंगे, साथ साथ बाप भी प्रत्यक्ष होगा। बच्चे ही हैं जिनके द्वारा बीज रूप बिंदु रूप बाप प्रत्यक्ष होता है। अष्टदेवों में पहला देव भी तो है जो मुकर्रत है। हाँ जी, एक सौ आठ आत्मा
2018 के अंदर कैसे खोले अथवा विजय माला निकलने के पहले ही एक सौ आठ की माला पूरी? टाइम नहीं बताया जाता है, टाइम नहीं पूछ रहे, विजय माला आने के पहले पूछ रहे। अगर राधा कृष्ण जब खत्म हो जाते और करना है अभी नहीं, टाइम हो गया है। और 5 मिनट। हाँ जी बोलो। बाबा ने मुरली में बोला कि विजय माला के मुख्य जो है ब्रह्मा को फॉलो करने वाले कर्मों में है, एक्चुअली रूप में ब्रह्मा को फॉलो करने वाले कर्म वर्तमान में या भविष्य में भी सही तरीके से ब्रह्मा को अभी फॉलो कर रहे हैं? अभी वर्तमान में ही या भविष्य में भी? वर्तमान में। वर्तमान में तो जब तक उनको ज्ञान नहीं है तो ब्रह्मा को ही फॉलो करेंगे ना, तो वो 100% प्योरिटी को धारण कर रहे हैं। हाँ जब ब्रह्मा को फॉलो करने वाले 9 प्रकार के हैं ब्राह्मण, तो जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं उनमें कोई अव्वल दो इन नंबर भी होंगे ना, तो फिर चंद्रवंशी है तो बताया कि वो माना अपने बचाने के लिए अभी ब्राह्मणों की दुनिया में शरण कर रहे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण को इलाज बचाने के लिए, ब्रह्मा की लाज बचाने के लिए शरण कर रहे हैं। लेकिन आगे चल करके विदेशी विवादी आत्माएं जब गुस्से में आएंगी, क्रोध में आएंगी, तो उनको सेंटर से जबरदस्ती निकाल कर बाहर कर देंगे, अपमानित करके बोला मुरली में नंगा करके बाहर ले जाऊंगे। ठीक है, तो बाबा ने बोला कि ऐसे जब ब्रह्माचार्यों का पवित्राचार्यों का जब अपमान होता है तभी बाप को बिना चला प्रज्वलित होती है और बाप रौद्र रूप धारण करते हैं। ठीक है, क्या ये प्रैक्टिकल में ऐसे होगा? प्रैक्टिकल में ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल में ऐसे बाहर निकालेंगे है? प्रैक्टिकल में अब बाबा ने मुरली में बोला है तो होना नहीं है प्रैक्टिकल में। है नंगा कर माने उनकी जो भी कमियां कमजोरियां हर एक के जीवन में तो कुछ होती है, उन कमजोरियों को खुला कर देंगे। हो सकता है कपड़े भी उतार ले कोई कोई के, ये क्या बड़ी बात है? बाप थोड़े ही रौद्र रूप धारण कर लेंगे उनके लिए, ये बाप का रौद्र रूप है, ये विधर्मियों का रौद्र रूप है, ये तुम्हारी अकल की कमी है। विधर्मियों के प्रति विकराल रूप धारण करेगा, उनको कहेंगे तुम्हारा पत्ता साफ जाओ। अब नई दुनिया में जाने वाले ये होंगे जिनका तुमने अपमान किया है। उसने बताया कि ये विदेशी विधर्मी आत्माओं को पावर कहाँ से मिलेगी जब रुद्रमाला के अंदर जो दूसरे दूसरे धर्मों का चिंता धारण करने वाली आत्माएं थे, वो आत्माएं अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ज्ञान को अपने तरीके से सुनाएंगी, माने ज्ञान के रूप में अज्ञान की बाढ़ आएगी, तो ज्ञान मिक्स करके सुनाएंगी। मैंने अपने तरीके से सुनाने का मतलब क्या है? मिक्स करके सुनाती है ना आत्मा, छिलका किस बात का चढ़ा हुआ है? छिलका चढ़ा हुआ है उसका प्रभाव तो आएगा ना, माने पाप के होते हुए भी वो दूसरे धर्मों की आत्मा ऐसा कर्म करेंगी। माने छिलका नहीं चढ़ा हुआ है, छिलका उतारने के लिए डंडे चाहिए ना, छिलका वो छिलका सबसे सख्त छिलका है, वो छिलका धर्मराज के डंडों के बगैर उतरता नहीं है। बाबा ये बताए कि सतयुग में 4 ही रिश्ते होते हैं, माँ पिता और भाई बहन के, कोई भिखारी रिश्ता नहीं होता जी, तो जो भिखारी रिश्ता नहीं होता तो आगे जो सतयुग की जनरेशन बताई गई है तो ये किस तरीके से मतलब आगे बढ़ेगा? ये भी बताया है कि जो राज परिवार होते हैं उनमें 2 में से 2 ही बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जो राज परिवार नहीं है नीचे ऊंचे तो होते हैं ना, जो सचिव में प्रजावर की आत्माएं होंगी या नहीं होंगी, चांडाल वांडाल होंगे कि नहीं होंगे, तो उनको 2-2 इशू भी होंगे। तो बच्चे तो सब एक ही बात के हैं बाबा? क्या मतलब? मतलब वहाँ में बच्चे सारे सब एक ही बात के हैं, चाहे वो बाप के ही बन के तो जाते हैं सब?
बाप के बन के अव्वल नंबर के बच्चे जाते हैं या नंबरवार बन के जाते हैं? अरे अव्वल नंबर पढ़ाई पढ़ के जाते हैं या थर्ड क्लास पढ़ाई पढ़ने वाले भी होते हैं या बिल्कुल ना पढ़ने वाले भी होते हैं? जो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं पढ़ते, संदेश मिल जाता है ले लेते हैं, और जब प्रत्यक्षता हो जाती है तो चल पड़ते हैं। 108 की माला की प्रत्यक्षता हो गई फिर चल पड़े, तो उनको वो ही प्राप्ति होनी चाहिए जिन्होंने पुरुषार्थ किया है उनके बराबर। अंतर तो पड़ेगा ना। आज की दुनिया में भी जो ऊंचे ऊंचे घराने के लोग हैं वहां कम बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि उनके एंटरटेनमेंट के तरीके और हैं, और जो नीच घराने के हैं उनमें एंटरटेनमेंट के तरीके हैं ही नहीं उनके पास, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। बाबा अभी माला के मण के लास्ट में आवेंगे कि पहले आते हैं? तो प्योरिटी की पावर से आगे चले जाते। अभी तो विजय माला है ही नहीं, जब है ही नहीं तो आने के चांस की बात है ही नहीं। जब प्रत्यक्ष होना शुरू हो तो चांस है। अरे 76 में रुद्रमाला के मण के प्रत्यक्ष होना शुरू हुए नहीं, तो रुद्र प्रत्यक्ष हुआ तो रुद्रमाला के मण के भी प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे ही विजय माला में विजय लक्ष्मी प्रत्यक्ष होगी तो उसके फॉलोअर्स भी प्रत्यक्ष होंगे। माँ भुवनेश्वरी परमात्मा शिव की कौन सी शक्ति है? माँ भुवनेश्वरी है परमात्मा शिव की कौन सी शक्ति है? भुवन किसे कहा जाता है? भुवन माने क्या? कौन से भुवन की बातें हैं? भुवन एक है या अनेक है? एक ही भुवन है। जो भुवनेश्वरी है वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ भुवन की ईश्वरी है। एक होता है भूमेश्वरी, भूमि की ईश्वरी, भूमि माना पृथ्वी जगदम्बा, और उसमें भी जो स्वर्ग है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उसकी ईश्वरी को कहा गया है भुवनेश्वरी। और जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले 108 नहीं है। 108 में आर्य समाजियों वाले भी है ग्रुप। जो आर्य समाजियों वाला ग्रुप है वो अंत में जाके राजा ही प्राप्त करेगा या आदि से अंत तक प्राप्त करेगा? अंत में ही राजा ही प्राप्त करेगा। हाँ बोलो। इस्लामी त्रेता के अंत में नहीं पाते। जो इस्लाम धर्म के आधार मूर्त होंगे वो सतयुग के दूसरे जन्म में भी पद पाते हैं, और त्रेता के दूसरे जन्म में भी पद पाते हैं। हाँ?
उनकी तो बात ही अलग है, वो है नष्ट देव, वो स्वर्ग को भी नष्ट करते हैं। नई दुनिया को भी नष्ट करने वाले हैं। बाबा वो लास्ट थ्री थी तो इस्लाम धर्म के बीच बाद में उसकी नहीं है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन उनकी है ना, तीनों ही भी धर्मी है। और वो नारायण भी बनेंगे, नारायण तो होता ही नहीं, नारायण के तो आठ ही पद है। जो नारायण बनते हैं वो राम भी बनते हैं। तो अपने अपने श्रद्धा विश्वास की बात है। जिनका श्रद्धा विश्वास जिस तरफ टिका होगा उसी के फॉलोअर तो बनेंगे। एक वर्ष रुंग का उसका अंदर जो जन्म आता है, हाँ जी, उसका सत्यु में क्यों नहीं है उसका पाठ आता है, कलयुग में ज्ञान लेते तो सचिन चिंतन में आएंगे, जो इंडिविजुअल हिसाब है वो अलग है और सामूहिक हिसाब है शूटिंग का वो अलग है। इंडिविजुअली जो जब आता है तभी उसकी सचिव की शूटिंग शुरू हो जाती है, तत्व प्रधान स्टेज होती है। जब ब्रह्माचारी निकले थे और ब्रह्मा का प्रभाव पराभव हुआ था और रुद्रमाला प्रत्यक्ष हुई थी तो कैसे निकले थे और कैसे उनका पराभव हुआ था, बाहर निकल गए हैं, निकल गए ना सब, क्यों बाहर नंबर बार निकलते गए, तो ऐसे ही जो वैष्णव है वो निकलते जा रहे हैं। रुद्रमाला आना यहाँ भी तो सवा का 2 लाख सोना है ना रुद्रमाला में, हाँ तो अभी हुआ ही नहीं, अभी 2.25 लाख। हाँ तो पवित्र बने तो विजयमाला में ऐड किए जाए, नहीं ये कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, तो विजयमाला अभी जो बीके में है उनमें से विजयमाला तो छोटे मन में आने के बाद उनके पीछे पीछे आएंगे, वो तो उनके फॉलोअर्स पता चलेगा। बीके में से तो एडवांस वाले भी आए, वही तो पूछ रहे हैं, और बीके में से विष्णु के फॉलोअर्स भी आ रहे हैं। हमको कैसे पता चलेगा ये रुद्रमाला की है ये विजयमाला की है, रुद्रमाला की ज्यादा भटकने चाहिए या विजयमाला की ज्यादा भटकने चाहिए दुनियादारी में। जो अपनी अपनी बात से बाज नहीं आते हैं तो उनको भटकना पड़ेगा दुनिया में, मतलब भटकने वाले सारे रुद्रमाला समझे, भटक भटक के पुरुषार्थ करेंगे और फिर विजयमाला में ऐड होते जाएंगे, और विजयमाला जब निकलेंगे वो तो अपने संगठन में ऐड होते जाएंगे, बिल्कुल होंगे। जो विकारों पर विजय पाते जाए वो स्वर्ग की दुनिया का अनुभव करते जाए, सब ये हिसाब बन जाएगा, विजयमाला सारे अंदर वाले हो जाएंगे, रुद्रमाला सारे बाहर वाले हो जाएंगे। तो पहले ही बोल दिया जब बेसिक नॉलेज थी तब भी ये फिक्र लागू होता था, अंदर वाले रह जाएंगे बाहर वाले ले जा रहे हैं सारे सारे। ये कहा, ये थोड़ी कहा नंबर वार, वहाँ भी नंबर वार तो यहाँ भी नंबर वार, ये बात यहाँ भी लागू होगी।
अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। कब? अगर पवित्रता को धारण नहीं करेंगे तब। एक बाप दूसरा न कोई, इस तेज को अगर धारण नहीं किया तो बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जावेंगे। क्या ठंडे हो गए? चलो टाइम। परिपक्व
दो आत्माएं थी संचेतन जिनके लिए मुरली में बोला है। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ जब मेरे लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। जन्म मान को देर से जन्म होना है क्या? प्रत्यक्ष धर्म की जन्म हुआ कि ये अमुक आत्माएं है जो नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने वाली। दो ही सीट फिक्स हुई, तीसरी सीट कई वर्षों के बाद बोला कि 3 सीट फिक्स हुई है। माना ब्रह्मा का पाठधारी कौन, विष्णु का पाठधारी कौन और शंकर का पाठधारी कौन, ये 3 सीट फिक्स हो गई। अब फिक्स होने का मतलब ये थोड़े ही है लक्ष्मी नारायण बन गए, कोई प्रचार भी नहीं करना। जब तक सेवान में जीना है तब तक जीना है। तो माँ बाप की तो बात ही अलग हो गई, जगत पिता और जगदम्बा से क्यों इसलिए अलग हो गई। कोई माँ बाप जो सच्चा होता है वो ऐसा नहीं होता है कि बच्चा आग में जलता रहे और खुद निकल करके मकान में से बाहर भाग जाए। अच्छा माँ बाप ऐसा होगा नहीं होगा। तो ये जगत पिता जगदम्बा का तो पार्ट है कि जब तक बच्चे ना बने तब तक माँ बाप भी इस दुनिया में उत्साह करते रहेंगे, चलता रहेगा। लक्ष्मी का पार्ट तो भारत माता का है या जगत माता का है? मिस इंडिया है या मिस वर्ल्ड है? मिस इंडिया है। तो जो सच्चे सच्चे पक्के भारतवासी हैं, जो आज से लेकर के अंत तक वैष्णव पंथी हैं, विष्णु को फॉलो करने वाले हैं, विष्णु माला के मड़के हैं, वो तो शांत स्थान में नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का अनुभव करेंगे। अवस्थापना का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है तो विनाश का भी दूर मकान तोड़ने में जैसे काम आसान होता है या मकान बनाना काम आसान होता है? हमारा संदेश भी नहीं पहुँच पाया अभी तो बच्चों के पास। मकान बनाने में ज्यादा टाइम लगता है या बिगाड़ने में ज्यादा टाइम लगता है? बनाने में टाइम लंबा लगता है, तो बनाने के लिए तो टाइम लंबा चल ही रहा है। अभी तो प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं। प्रैक्टिकल होने के लिए पहले बुद्धि छोट सुधरे, मन बुद्धि रूपी आत्मा पहले सुधरेगी कि पहले शरीर है और ये माहौल सुधरेगा। ज्यादा कठिन क्या है? माहौल को सुधारना ज्यादा कठिन है, शरीर को निरोगी बनाना ज्यादा कठिन है या आत्मा को ज्यादा तैयार करना ज्यादा कठिन है? आत्मा की तैयारी में ये सारा टाइम लग जाता है। एक मुर्गी में बोले था बाबा समय थोड़ा अगली दुनिया बता रही है। समय तो थोड़ा है। हाँ बोला बेटे की दुनिया बता रही है। दुनिया बता रही है टाइम थोड़ा है। हाँ पूरे 12 बजे दिन के। आज बाबा मुर्गी में बोला मनु। हाँ मनु किसके लिए बोला है? जो पहले मरण चिंतन करता है वो है मनु। वो प्रजापिता ब्रह्मा हुए या ब्रह्मा बाबा हुए? पहला मनु जो है वो प्रजापिता है, आदि में भी पहले ही था। क्या शिव मनन चिंतन में मंथन नहीं करता? कौन मनन चिंतन मंथन करता है? मनु मनन चिंतन मंथन करता है। जिसका मन जब तक चलता है तब तक मन चलायमान होने के कारण दुनिया का उत्थान नहीं करेगा। क्या करेगा? दुनिया का पतन करता है। और मन जब अमन हो जाता है तो शिव समान हो जाता है, बाप समान हो जाता है। बाप समान हो गया उसी समय से शिव शंकर एक हो गया। जो पहले तो वो देवर जो पहले कदम पर आता है उसको देख करके फिर पीछे पीछे और भी कदम बढ़ाते हैं। इसलिए मनु भी अनेक हुए हैं,
मनवंतर बताते हैं। बाबा ये सूक्ष्म कर्मेंद्रिया हमारी कौन सी है? पांच जो भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, कोई आदमी देखते में आता है कि इतना क्रोधी नहीं था और भूत प्रेत प्रवेश करता है तो वो हाथ पांव चला बैठता है, जान भी ले लेता है, गला दबा देता है, तो ये कौन सी कर्मेंद्रिया है? सूक्ष्म है या स्थूल है? पांच कर्मेंद्रिया पांच है। जो कर्मेंद्रिया पांच है उनको चलाने वाला कौन है? पांच ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? ज्ञानेंद्रिया नहीं मालूम, जिससे ज्ञान होता है, जानकारी होती है, आंख देखती है तो जानकारी होती है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, स्थूल है बाबा। हाँ, इसके अंदर जब शरीर छूट जाता है तो ये तो बटन जो करते दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो आंख देखती है। कोई कोई भूत प्रवेश होता है, मजमा लगाते हैं लोग, कुछ बच्चे को सुला देते हैं और मजमा लगा हुआ है और पूछते हैं इसकी जेब में कितने पैसे हैं और वो बता देता है, तो सूक्ष्म आंख है, स्थूल आंख है। नहीं नहीं, जो बच्चा बता रहा है कि इसकी जेब में इतने रुपए रखे हैं, कौन सी आंख है? सूक्ष्म आंख है ना, तो जो सूक्ष्म आंख है वो आत्मा की आंख है। जैसे सूक्ष्म शरीर वो लाइट का शरीर है, ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर का बंधन और सूक्ष्म शरीर का बंधन, ज्यादा पावरफुल कौन सा बंधन है? सूक्ष्म शरीर का बंधन और ज्यादा पावरफुल। ब्रह्मा बाबा जो है अभी सूक्ष्म शरीर धारी है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां शरीर छोड़ते जा रहे हैं वो सब सूक्ष्म शरीर धारी, उनका बंधन तब तक नहीं टूट सकता जब तक वो एडवांस ज्ञान में पास न हो जाए। अभी भी ब्रह्मा की सोल एडवांस ज्ञान में पास नहीं है, अभी भी बुद्धि में नहीं बैठता है कि गीता का भगवान कौन है, साकार में कौन है। बैठ जाए जाना तभी बंद करेंगे, यह एक तरफ ज्ञान पूरी प्रत्यक्ष होगा तब ज्ञान पुनर्वास होगा। पूर्णमासी होती है ना, तो जिस दिन पूर्णमासी होती है एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है, दोनों काम साथ साथ होते हैं। अब वो भी अस्त हो जाए और उधर भी उदय ना हो तो जो ज्ञान में चल रहे हैं बेसिक में वो तो डब्बा बोल हो जाए, सारी सारी बात बेकार हो जाएगी। बड़ा बगीचा पाठशाला में आओ नहीं ब्रह्मा जो भी गीता पाठशाला खुली हुई है, जहाँ भी पांच पांडव इकट्ठे हो रहे हैं आगे पीछे आते रहे, बहुत गीता पाठशाला हो गई और धीरे 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 होता है। बाबा आज खास जाटों पर खास रहा, जाटों पर रहा था मुरली का सार था कि राजधानी स्थापन करनी है तो ऐसे योद्धाओं की जरूरत है जो बुद्धि में चलाए, जो श्रीमत मिले श्रीमत मिले उससे चले, धड़ाक से चले। तो जाट और बाबा की यारी पक्की समझे हम यारी नहीं कहेंगे, बाप की श्रीमत पर कौन चलेंगे? यार चलेंगे। दुनिया की यारी तो सब झूठी हो गई, बाप ने तो मुख्य संबंध आके जोड़ा है बाप और बाबा। ये जो बच्चे मारो में दादा श्याम जी के जो मान्य रसल ये साथ क्या है? ये लोग श्याम जी को मानते हैं, दादा श्याम जी का खाटू श्याम राजस्थान में जो मान्यता है, राजस्थान में मान्यता है बड़ी, यादाटो भी गेलों में ये मान्य है, ये चित्रों में भक्तराज चित्र में दिखा रहा है, शंकर का भी ब्रह्म का भी कृष्ण का भी रुद्र बीच में श्याम का फोटो दिखा रहा है, गड़े गड़े का मुख मुख का दिखा रहा है, पूरा श्री दिखा दे काम करो। जो बात मुरली में बोली उन बातों पे चिंतन करो, जो बात अक्षतवाणी में बोली
उन बातों पे चिंतन करो, जो बात क्लैरिफिकेशन में बोली उन बातों पे चिंतन करो। अगर और सारे शास्त्रों के चिंतन करना शुरू कर देंगे जो बाबा ने बोला है कि रामायण भागवत महाभारत इनमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको तुम टैली कर सकते हो वर्तमान संग में। ये नहीं बोला टैली करो, क्या बोला? टैली कर सकते हो। और बुद्धि का विशालता दिखानी है संसार को तो भले टैली कर करके बताते जाओ बड़ा विद्वान, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। बाप तो खुद ही आकर के सारी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जो शास्त्रों में ढेर सारा फैला हुआ फैलाव वो सब है भूसा। भक्ति मार्ग में जो ढेर सारा फैला हुआ है, भक्ति मार्ग की परंपराएं, भक्ति मार्ग की घटनाएं, भक्ति मार्ग के क्या नाम क्या जो रीति रस्म रिवाज है वो सब सागर है। उसमें बुद्धि चलाने से कोई फायदा नहीं। क्या करना है? क्या कहते हैं शिव बाबा ने हमको रतन दिए हुए रतन हाँ, भूसा भूसा हटा दिया है। क्या बोला है? जो भी शिव बाबा के मुख से निकले वो सब क्या है? रतन। वो चाहे ब्रह्मा के मुख से निकले, चाहे वो प्रजापिता के मुख से यज्ञ के आदि में निकले पीयू की वाणी, और चाहे वो अभी निकल रहे हो जैसे शास्त्रों के रहस्य और ज्यादा खुल रहे हैं, लेकिन वो महावाक्य असली चीज है। और विस्तार में जाएंगे तो कुछ न कुछ मनमत में बुद्धि जाने से हमारी बुद्धि ऐसे ही बच चुकी है। क्यों? क्योंकि बाद में जितने जितनी परंपराएं हैं वो मनुष्यों ने अपनी मनमत से बनाई। भारत बाबा आकड़ा उपड़ाने भी कुछ नहीं जिनको क्या सुनने को बाबा कई भाई वसन कर घुमाऊंगा वो मैं जमीन ले रहे हैं ये ठीक है या गलत? तो बस ये परमधाम को सृष्टि पर उतार लेंगे। वो सृष्टि में जगह कहाँ होगी जहाँ परमधाम को उतार लेंगे? परमधाम है अविनाशी धाम, वो तो है सूक्ष्म और यहाँ होगा स्थूल। तो वो अविनाशी धाम कहाँ होगा? कोई जगह है जहाँ होगा? वो तपस्या का प्रभाव आज से लेकर के अंत तक कहाँ होगा? मन बुद्धि पर है? मन बुद्धि पर नहीं। जो आत्मा बने हुए बच्चे होंगे जिनका देहभान टूटा हुआ होगा वो ही अपना घरवार और बीवी बाल बच्चे त्याग करके वहाँ बुद्धि जाने की उनकी बनेगी ऐसी बुद्धि। और जिनका मोह लगा हुआ होगा धन संपत्ति में प्रॉपर्टी बनाने में बीवी बाल बच्चों में वो वहाँ परमधाम में नहीं पहुँचेंगे। तुम बच्चे कौन से बच्चे? वो बच्चे ये बच्चे या तुम बच्चे? तुम किससे कहा जाता है? जो बाबा को सन्मुख पहचानते हैं वो तुम बच्चे परमधाम को इस कश्ती पर उतारेगा। तो अकेला जना बाहर फोड़ेगा क्या? सारे संगठित होकर के और ऐसा वायुमंडल बना देंगे कि जो वहां पहुंचेगा दुनियावी व्यक्ति उसकी बुद्धि चेंज हो जाएगी और पार्कनाथ का मंदिर बन जाएगा। दो मुख चार मुख बताया है महाराज बनती है तो आठ ही और अनेक मुख वाली जो भी भूत प्रेत प्रेत करते हैं वो सब है दो मुख भी यादगार है। अभी रुद्रमाला के मंडपों में शिव की भी प्रवेशता होती है, लेकिन बाबा ने कहा कोई कहते मेरे में मम्मा आई, मेरे में बाबा आए, मेरे में शिव बाबा आए। मुरली में बोला आज कहते हैं मेरी मम्मा बाबा आए, कल कुत्ता बिल्ला भी आ जाए। क्यों बोला? इसलिए बोला कि 63 जन्मों में आत्माएं कभी किसी से प्रभावित हुई कभी किसी से प्रभावित हुई,
जो विरामियों से प्रभावित होते रहे उनकी शूटिंग कहाँ होगी? यहाँ ही शूटिंग होगी ना, उनके मुख से प्रभावित हो रहे। हाँ, वहाँ प्रभावित हुए तो यहाँ भी प्रभावित होते रहेंगे। वो आत्माएं प्रवेश करेंगी जो जड़ों पर बैठी हुई है, विधर्मी जड़ों पर, वो वहाँ शरीर छोड़ेंगी और यहाँ प्रवेश करेंगी और उनसे प्रभावित हो जाएंगे। तो उनका मुख लिया ना, 14-14 आत्माएं प्रवेश करेंगी, उसकी राजकार में 14-14 आत्माएं प्रवेश करेंगी। जो मुख दिखाए गए हैं रुद्राक्ष के नृत्यों में, वो किसकी यादगार है? मुख लेने की यादगार है।